नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बाय रघु में। और आज हम पढ़ेंगे यूपी सेंसस 2011, जो आपके आगामी लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। इसके बाद विधिवत जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जनसंख्या के अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को प्रस्तुत किए गए थे। उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर अंतिम आंकड़े 29 मई 2013 को जारी किए गए थे। 2011 में उत्तर प्रदेश के कुल 71 जिले, 312 तहसील, 648 वैधानिक नगर व 267 जनगणना नगर, 106,774 गांव में 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। कुल जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या 52.29%, महिला जनसंख्या 47.71%। पुरुष लगभग 10,44,00,000, महिला लगभग 9,42,00,000। 2011 में जो यूपी का जो जनसंख्या थी 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़, भारत की जनसंख्या का 16.51%। 2011 में जो जनसंख्या थी 16.62 करोड़ थी, भारत का 16.16 करोड़ थी। लेकिन 2011 में ये 16.51 हो गई भारत की जनसंख्या का। वर्ल्ड में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के मामले में 5वां स्थान है। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वां स्थान यूपी का है। 2011 में उत्तर प्रदेश 2001 में 6वें स्थान पर था और 2011 में ये 5वें स्थान पर था। सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले देख लेते हैं। सर्वाधिक आबादी वाले ज़िलों में सबसे पहला इलाहाबाद है, जिसमें 59 लाख, टॉप 5 शहर हैं, 59 लाख जनसंख्या है। इसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद में 46.8 लाख, इसके बाद आजमगढ़ में 46,10,000, 5वां लखनऊ, और सबसे कम आबादी वाले जो शहर हैं यूपी में ललितपुर। ललितपुर की जो जनसंख्या है सबसे कम महोबा 8.75 लाख, 8,75,000, हमीरपुर में 11 लाख, श्रावस्ती और इसके ऊपर ये ललितपुर सबसे कम आबादी वाले ज़िले हैं। जनसंख्या घनत्व की एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2001 में 690 था। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में 9वां स्थान है। पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व में प्रथम गाजियाबाद है 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। अगला देखते हैं, टॉप फाइव देख लेते हैं। टॉप फाइव में ये गाजियाबाद आता है 3,971, इसके बाद बनारस 2,395, लखनऊ 1,816, भदोही 1,555 और कानपुर नगर 1,452। सबसे कम में देख लेंगे, लोएस्ट में सबसे कम ललितपुर में, यानी कि सबसे हाईएस्ट जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो गाजियाबाद की है और सबसे लोएस्ट ललितपुर की है, 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद सोनभद्र में 270 व्यक्ति, हमीरपुर में 275, महोबा में 279 और चित्रकूट में 308। स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1981 और 91 में हुई 171, और सबसे कम वृद्धि जो हुई थी 1951 से 61 में हुई थी, और इनका सबसे हाईएस्ट जो वृद्धि हुई थी और सबसे कम वृद्धि हुई थी, उन दोनों का जो अंतर 133 है। अगला देखते हैं, दो लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं। साक्षरता दर 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 67.7 यानी 67.7 थी, यही 2001 में 56.27 थी। पुरुष साक्षरता देख लेते हैं, पुरुष साक्षरता 77.3 है, महिला साक्षरता 57.2 है। 2001 में 68 पुरुष साक्षरता 68.82 थी और महिला साक्षरता 42.22। उत्तर प्रदेश का भारत में
जो स्थान है देख लेते हैं एक बार। पुरुष औसत साक्षरता 29वां स्थान है, महिला औसत साक्षरता 31वां स्थान है। 2011 के अनुसार राज्यों में महिला तथा पुरुष साक्षरता के जो बीच अंतर है 20.10 का है। इस तरह का सर्वाधिक अंतर महाराजगंज में और सबसे कम अंतर कानपुर नगर जिले में पाया गया। 2001 से 2011 में कुल साक्षरता में 11.43 की वृद्धि हुई। 2001 से 2011 में महिला साक्षरता में 14.98 की वृद्धि हुई, वहीं पुरुष साक्षरता में 8.48 की वृद्धि हुई। सर्वाधिक औसत घनत्व वाले टॉप राज्य जो हैं, टॉप 5 राज्य औसत घनत्व में प्रथम गौतम बुद्ध नगर है जिसका औसत घनत्व है 80.2, सबसे कम 5। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर के बाद कानपुर नगर औरैया का 78.95 है, इटावा गाजियाबाद का इसमें 5वें नंबर पे। ये सबसे ज़्यादा वाले देखे, अब देखते हैं सबसे कम वाले। सबसे कम में श्रावस्ती में सब सर्वाधिक जो औसत साक्षरता है सबसे कम है, उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर में। साक्षरता दर में सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता 80.12 है और सबसे कम साक्षरता 46.74 ये श्रावस्ती में है। पुरुष साक्षरता दर में गौतम बुद्ध नगर ही आगे है, इसकी 88.06 साक्षरता है। श्रावस्ती में वहीं 57.16 की साक्षरता है। महिला साक्षरता में कानपुर सर्वाधिक है 75.05 के साथ, श्रावस्ती 34.78 के साथ। ग्रामीण साक्षरता यूपी में 65.46% है, नगरीय साक्षरता 75.14 है। लिंगानुपात की बात करते हैं, लिंगानुपात भारत में 943 है, यूपी में अभी 2011 में 912 जबकि 2001 में 898 था। 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है भारत में 919 है जबकि यूपी में 2011 के अकॉर्डिंग 902 और 2001 के में 916 था, यानी कि इसमें कमी हुई है। जबकि ओवरऑल जो लिंगानुपात है 2001 से 2011 में 14 की वृद्धि हुई, यहाँ 14 की कमी हुई। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में 1024 बालिकाएं प्रति 1000 बालक पर, सबसे कम यही 851 गौतम बुद्ध नगर में। 6 से 14 वर्ष का जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो बलरामपुर में 950 है और बागपत में 841 है। वयस्क और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से यह देश में 26वां स्थान रखता है लिंगानुपात सेक्स रेशियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, आपके UP SSC लोअर PCS और आपका आगामी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या एक बार देख लेते हैं। ग्रामीण जनसंख्या 77.73 2011 के अकॉर्डिंग है और शहरी जनसंख्या 22.27 2011 के अकॉर्डिंग। 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल 915 नगरों में से 1 से 10 लाख आबादी वाले 64 नगर थे, 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले 7 नगर और 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर देख लेते हैं एक बार कौन से थे 10 लाख से आबादी वाले नगर। कानपुर नगर इसमें फर्स्ट नंबर पे था, सेकंड पे लखनऊ, गाजियाबाद, फोर्थ पे आगरा था। 10 लाख से अधिक आबादी वाले ये 7 राज्य हैं, वाराणसी था, इसके बाद मेरठ और इसके बाद इलाहाबाद। 10 लाख से प्लस यानी ज़्यादा वाले 12 जिले हैं केवल। 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या में प्रथम महाराष्ट्र 5 करोड़ जनसंख्या के साथ, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है 4.44 करोड़ के साथ। भारत में टोटल शहरी जनसंख्या यूपी का स्थान 30वां है, सबसे ज़्यादा शहरी और सबसे कम शहरी। सबसे ज़्यादा शहरी गाजियाबाद में, सबसे कम शहरी श्रावस्ती में, ग्रामीण सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में और सबसे कम ग्रामीण गौतम बुद्ध नगर में। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण श्रावस्ती में और गाजियाबाद में सबसे कम ग्रामीण हैं। शहरी जो सबसे ज़्यादा शहरी हैं गाजियाबाद में है परसेंटेज वाइज
और शराबस्ती में सबसे ज़्यादा सबसे कम है परसेंटेज वाइज। एससी यानी अनुसूचित जनजातियों 2011 के अकॉर्डिंग यूपी में भारत में एससी का प्रतिशत 16.6% है जबकि एसटी वहीं 8.6% है। तो एक बार देखते हैं एससी का लिंगानुपात अपने यूपी में 907 है, टोटल एससी जनसंख्या 4.13 करोड़ है यूपी में, जो कि कुल जनसंख्या का यूपी की कुल आबादी का 20.69% है। यूपी में एससी की कुल जनसंख्या में प्रथम है, यूपी एससी की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में प्रथम है, एससी की जनसंख्या परसेंटेज वाइज में चौथा स्थान है। फर्स्ट नंबर पे पंजाब है जिसमें अप्रोक्स 31% एससी है। एससी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सीतापुर में, सबसे कम बागपत में है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा एससी कौसाम्बी में और सबसे कम 11.49 के साथ बागपत में। इसके बाद देखते हैं एसटी लिंगानुपात यूपी में, जो एसटी का लिंगानुपात है वो 951 है, कुल 11,34,000 लगभग 0.57 कुल यूपी की जनसंख्या का। इसे आगे देखते हैं एसटी की जो पॉपुलेशन है सबसे अधिक मैक्सिमम सोनभद्र में, मिनिमम बागपत में। परसेंटेज वाइज अगर मैक्सिमम देखें तब भी ये सोनभद्र में, यानी ये एसटी की जो पॉपुलेशन सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है ओवरऑल जनसंख्या में भी, और परसेंटेज वाइज भी सोनभद्र में, और ओवरऑल जनसंख्या में बागपत में कम है और परसेंटेज वाइज भी बागपत में कम है। धर्म के आधारित जनगणना जनसंख्या, हिंदू 79.73% है जबकि मुस्लिम 19.26 यानी 26% है। या ईसाई देखते हैं हम 0.18% हैं जबकि सिख 0.32% हैं और जैन 0.11% हैं। बुद्ध की बात करें 0.10% हैं। स्लम आबादी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्लम आबादी, टॉप स्लम आबादी, टोटल स्लम आबादी जो है 2011 62 लाख है, 9.5 ऑफ टोटल। महाराष्ट्र इसमें नंबर वन है स्लम आबादी के मामले 11 मिलियन के साथ। आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे 10 मिलियन के साथ। वेस्ट बंगाल 6.3 मिलियन के साथ इसमें तीसरे नंबर पे, और यूपी चौथे नंबर पे 6.2 मिलियन के साथ। स्लम आबादी की साक्षरता दर 69% है। यूपी में सर्वाधिक आबादी वाले ज़िले, यूपी में जो सर्वाधिक आबादी वाले ज़िले मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद। आगे देखते हैं भारत में कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 18.63 के देश में फर्स्ट है। शहरी में उत्तर प्रदेश 11.79 महाराष्ट्र के बाद दूसरा है। 2001 से 2011 तक बढ़ी कुल जनसंख्या, 2001 से लेकर 2011 तक 3.36 करोड़ जनसंख्या बढ़ी, यानी कि 3,36,00,000। 2011 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि जो हुई 20.22% हुई। दशकीय वृद्धि दर में कमी कितनी हुई 5.63%। 2011 के दौरान पुरुषों में वृद्धि दर 19.31% और महिलाओं में जो वृद्धि दर हुई 21.23% हुई। दोनों का जो अंतर है 1.92 महिलाओं में ज़्यादा है, महिलाओं में जो वृद्धि है 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं में वृद्धि ज़्यादा हुई। 2001 से 2011 में ग्रामीण वृद्धि 17.96 और शहरी वृद्धि 28.82% हुई। दशकीय वृद्धि में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दशकीय वृद्धि में 2011 में सभी राज्यों में स्थान कौन सा था, ये क्वेश्चन यूपी SSSC का क्वेश्चन है, यूपी PCS का 14वां स्थान था। एक बार देख लेते हैं सर्वाधिक और सबसे कम ज़िले जनसंख्या के मामले में। सर्वाधिक इलाहाबाद है 59.5 लाख जनसंख्या है, जबकि यूपी में सबसे कम जनसंख्या महोबा में। जनसंख्या घनत्व में गाज़ियाबाद है 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि ललितपुर 242 के साथ सबसे कम। साक्षरता में जो नंबर वन है यूपी में गौतम बुद्ध नगर है, और सबसे कम श्रावस्ती 46.74 के साथ। पुरुष साक्षरता में भी गौतम बुद्ध नगर है 88.06 के साथ, जबकि पुरुष साक्षरता में सबसे पीछे है श्रावस्ती 57.16 के साथ। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कानपुर नगर में है 75.05 के साथ, और सबसे कम महिला साक्षरता श्रावस्ती में, यानी कि ओवरऑल में भी श्रावस्ती में सबसे कम है और महिला और पुरुष साक्षरता में भी
सबसे कम है। दशकीय वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर 49.1 के साथ, जबकि सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई और कानपुर नगर में सबसे कम 9.9। अगला देखते हैं दशकीय वृद्धि दर का लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात में जौनपुर 1024 बालिकाएं प्रति बालक पर नंबर फर्स्ट पे है, जबकि गौतम बुद्ध नगर 851 बालिकाएं प्रति बालक पर या महिलाएं पुरुष पर 851 के साथ सबसे लास्ट पोजीशन पे। शिशु लिंगानुपात में बलरामपुर 950 के साथ फर्स्ट नंबर पे, और जबकि बागपत 841 के साथ सबसे लास्ट पोजीशन पे। यूपी के अल्पसंख्यक के घटते क्रम देख लेते हैं एक बार। मुस्लिम यूपी में सबसे ज़्यादा, इसके बाद सिख 0.32 और इसके बाद ईसाई 0.18%, जैन 0.11% और बौद्ध 0.10%। 2011 में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। 2011 में 20% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले जिले 21 जिले थे। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला, सबसे कम जहां मुस्लिम है आबादी वाला जिला ललितपुर है। ललितपुर का जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला रामपुर है, जिसमें 50.57% मुस्लिम है। इसके बाद मुरादाबाद, बिजनौर के बाद जेपी नगर। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला धार्मिक समुदाय है ईसाई, जिसमें 67.7% की वृद्धि, और सबसे कम वृद्धि बौद्ध 31.07%। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात ईसाई यानी क्रिश्चियन 950 है, सबसे कम लिंगानुपात 885 सिखों का है। जीवन प्रत्याशा, यूपी में जो जीवन प्रत्याशा है, ओवरऑल जीवन प्रत्याशा 63.8 है, जबकि पुरुष जीवन प्रत्याशा 62.5 है, जबकि महिला जीवन प्रत्याशा 65.2 है। ये क्वेश्चन ओवरऑल आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था। प्रदेश में दिव्यांगों की संख्या, प्रदेश में दिव्यांगों कुल 2.08 हैं, जिसमें से सर्वाधिक बधिर और बहरे हैं, और सबसे कम मानसिक यानी मानसिक 1.84% हैं और बधिर और बहरे 24.72% है। भारत में कुल दिव्यांग आबादी का यूपी में कितना है? भारत की कुल आबादी का यूपी में दिव्यांग की आबादी का यूपी में केवल 15.5% है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो आप इसे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा यूपी लेखपाल के लिए, आपके यूपी ट्रिपल एससी के अन्य एग्ज़ाम के लिए, जो भी आपके एग्ज़ाम है यूपी जीके और यूपी से संबंधित। अभी जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे, और आगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।